आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भूल कर भी कौन से पाप करते हुए आप किसी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भी नुकसान होता है। पुराणों में कहा गया है कि यदि मनुष्य कुछ गलत कर दे तो पाप का भागीदार बनता है, परंतु इसके साथ ही यदि वह बुराई या गलत को बढ़ावा दे या उसे होते हुए देखता है, गलत काम होते हुए देखता है, तो भी वह पाप का भागीदार बनता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अक्सर आपके पास होती रहती है, परंतु हमसे अनदेखा कर देते हैं और पाप के भागीदार बन बैठते हैं। तो ये अति आवश्यक है कि आप इन चीज़ों को सदैव ध्यान में रखें ताकि आप पाप के भागीदार नहीं बन बैठें। पहली चीज़, पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ को काटने से घोर पाप लगता है, इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटें और दूसरों को भी इसे ना काटने की सलाह दें। यदि आप पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते तो पीपल के पेड़ की पूजा करें, वह वहाँ पे हर शनिवार को दिया जलाएं। सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं की निंदा करने वाला इंसान महापापी की श्रेणी में आता है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और इनकी छाया में उठना बैठना भी नहीं चाहिए और इन्हें नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। क्रोधी व्यक्ति भी पापियों की श्रेणी में आता है। बात बात पर क्रोधित होने वाले लोग पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे में गुस्से वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और खुद भी हो सके तो शांतिपूर्व रहकर हर मामले को सुलझाना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति के मुंह लगकर आप खुद भी अपने को अशांत करते हैं और गलत चीज कर पाप के भागीदार बन बैठते हैं। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ें, ऐसे लोग महापापी होते हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, इनको सम्मान की दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, इनके साथ संपर्क रखने से आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोगों का स्थान सिर्फ नरक में होता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।